बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भागलपुर पहुंचे। उनके पहुंचते ही अधिकारियों के बीच खलबली मच गई, लेकिन इस बार के पाठक अपने स्वभाव से कुछ अलग नजर आए। शिक्षकों को डांट फटकार लगाने वाले के पाठक का अंदाज थोड़ा नर्म था। उनको पता नहीं कैसे मिला, हमने आदेश कर दिया जी सर, वो हमें चाहिए। भागलपुर के घंटा घर में मौजूद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पहुंचकर के पाठक ने सबसे पहले बीपीएससी से चयनित नव नियुक्त ट्रेनी शिक्षकों से बातचीत की। इस दौरान वो सभी शिक्षकों से खुलकर बातचीत करते दिखे। घर है आपको, घर के पास में गया बाबू जी। आप कैसे जाएंगे? आएंगे बेटा, बताइए। रिक्शा से मुस्कुराते हुए के पाठक ने सभी नव नियुक्त शिक्षकों को कई दिशा निर्देश दिए और बच्चों को किस तरह पढ़ाना है उसका सार बताया। साथ ही उन्होंने शिक्षकों से कहा कि आप सभी की नियुक्ति गांव में ही हुई है, अगर किसी को गांव में रहने में समस्या है तो आप गलत जगह आ गए हैं। शहर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और डाइट भवन में निरीक्षण के दौरान नव नियुक्त शिक्षकों को के पाठक ने कहा कि सभी 14 घंटे बच्चों के लिए समर्पित कर दें, सभी को सही समय पर सैलरी मिलेगी। वहीं उन्होंने टीचर्स को वाहन चलाने की ट्रेनिंग देने की भी बात कही। खासकर शिक्षिकाओं को स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग शिक्षा विभाग की तरफ से दी जाएगी। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उतने बड़े आईएएस ऑफिसर के सामने खड़े होकर हम लोगों को कुछ मौका मिला कुछ बोलने का। पर्सनली मेरे से सर ने कहा, सारे लोगों से पूछा कि कितने लोगों ने अपने स्कूल के नज़दीक घर ले चुकी हैं, तो मैंने भी हाथ उठाया, तो मेरे को सर ने उठाया, खड़ा किया, पूछा कि मैम आप कितने डिस्टेंस पर अपना रूम ली हुई हैं, तो मैंने बोला सर ओनली 2 किलोमीटर। सर बोले शाबाश, तब तो आप स्कूल जाएंगी, क्योंकि सर का ये आदेश था कि 15 किलोमीटर के रेंज में रेडियस में आपको किराए पर रूम लेना है, रेंट पर, उसका प्रमाण पत्र भी एचएम को जमा करना है। ऐसा सर स्कूटी सिखाने को लेकर भी वहां सर ने बोला कि जितने भी लोग हैं वो लोग स्कूटी चलाने जानते हैं, फोर व्हीलर चलाने जानते हैं, अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाई जाएगी। फिर बहुत खुश है सर, आईसीटी लैब के बारे में भी सर ने पूछा, कंप्यूटर चलाना आप लोग जानती हैं, तो हम लोगों ने बोला, जिनको आता था बोले कि जी हाँ, तो वो बोले कि अभी जितने भी टीचर्स हैं सर सबको कंपलसरी है कि वो लोग कंप्यूटर जाने चलाना जाने, क्योंकि स्कूल में वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। सर इसका तो दूरगामी बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलेगा, बहुत ही सर बदलाव होने वाला है यहाँ पे, खासकर सर महिला टीचर के लिए जो स्कूटी के पाठक सर सभी डरते हैं, लेकिन आप लोग के साथ सर बहुत ही पॉजिटिव, सर बहुत ही पॉजिटिव, इतना अच्छा माहौल था, सौभाग्य कि सर हमें यहाँ पे मिले, इतना अच्छा माहौल था। क्या कुछ बोले सर? बोले कि आपका सब्जेक्ट क्या है, और बोले कि आईसीटी लैब का बारे में चर्चा की है, कंप्यूटर कंपलसरी आना चाहिए, और फिर हाँ कम्फर्टेबल है, पीटी योगा के बारे में बताए कि आप लोग का पीटी कैसा चल रहा है। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, बदलाव आएगा, सब बदलाव बहुत ही अच्छा आएगा सर, पॉजिटिव वे में आने वाला है। के पाठक से इस मुलाकात के बाद सभी नव नियुक्त टीचर्स बेहद खुश नजर आए। के पाठक ने जब से पदभार संभाला है तब से ही हर दूसरे दिन नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, कभी शिक्षकों के लिए तो कभी बच्चों के लिए भी। साथ ही के पाठक अक्सर स्कूलों का निरीक्षण भी करते रहते हैं, इस सब से उनकी छवि थोड़ी गंभीर या गुस्सैल की बन गई थी, लेकिन भागलपुर में उनका अलग अंदाज देखकर लोग हैरान भी थे और खुश भी।